अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका लाइक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। ले जी, सबसे बड़ी खबर आ रही है कीनिया से। कीनिया की अदालत ने अरशद शरीफ का जो केस वहाँ लगा हुआ था, पुलिस अपना मौकफ दे रही थी कि जी ये मिस आइडेंटिटी की वजह से हमसे ये सब कुछ हुआ है, लेकिन अदालत ने पुलिस वालों का केस उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और कहा कि नहीं, ये सब कुछ गलत है, ये जानबूझकर किया गया। इसके पीछे कुछ और मुहर्रकात भी हैं जिस पर उन्होंने इंक्वायरी भी बिठाई और उन्होंने कहा कि ये तमाम पुलिस वालों को सजाएं मिलेंगी। जी हाँ, जो काम पाकिस्तान की अदालतें नहीं कर सकें वो कीनिया की अदालतों ने कर दिया। अरशद शरीफ को इंसाफ दिया और उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी ये सारी की सारी इस पुलिस की है। पुलिस का केस भी फारिग और उन्होंने अपनी हुकूमत से कहा कि स्टेट से कहा कि वो अरशद शरीफ की जो फैमिली है उनसे रिटर्न माफ़ी मांगे, क्योंकि ये सब कुछ पुलिस का किया धरा, स्टेट का किया धरा है। वहाँ पर तो ये जो है ना केस सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है और इंसाफ हो गया, लेकिन अब पाकिस्तान में बाकी है जहाँ पर असल मुजरमीन है, जहाँ पर जो सारा ये गंदा धंधा करने वाले लोग जिन्होंने अरशद शरीफ को ऐसे फंसा के शहीद किया, करवाया, जो भी किया, वो अभी तक खुले फिर रहे हैं। और अदालत जो है जहाँ पर काजी बैठा हुआ है सबसे बड़ा, वो बिल्कुल एक किस्म का आप कह लें कि मट्टी डाल के बैठा हुआ इस केस पर, लगा ही नहीं रहा उस केस को। लेकिन कोई नहीं, कितनी देर अल्लाह की अदालत लगी है, ये इंशाल्लाह अरशद शरीफ शहीद का जो खून है वो रायगा नहीं जाएगा। इस दुनिया में भी इन सबको सज़ा मिलेगी और आखिरत में तो आपको पता है कि बार बार उठाए जाएंगे और बार बार मारे जाएंगे। ये सिस्टम होगा, योम हिसाब वाले दिन तो हिसाब होगा। और एक और जिले शाह ऐसा मासूम आदमी, उसको इन्होंने जो है ना कैसे तशद्दुद करके उसको शहीद किया, उसका भी हिसाब होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। दूसरी खबर की तरफ आते हैं जी जनाब। दूसरी खबर यह है कि इस्लामाबाद में हाई कोर्ट, हाँ जी, अब एक तो कीनिया की हाई कोर्ट का हवाला आपने सुन लिया, अब दूसरी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े बड़े जज साहबान आके बैठे। केस क्या था? केस जनाब वो था कि ये जजेस के खिलाफ जो भी प्रोपोगंडा जिन्होंने किया, हाँ जी, उनको जो है ना वो लंबा डालना, उनकी ढोलकी बजानी। लेकिन जज साहब बैठे आके और उन्होंने कुछ ऐलानात किए भी। सबसे पहले आपको पता कि आमिर फरूक साहब जो आए और उन्होंने आके कहा कि जनाब जिस पर यह साबित हो गया ना कि जिसने प्रोपोगंडा किया, झूठ फैलाया जजों के खिलाफ, जो सारी ये मुहिम चलाई है, वो गर्मियों की छुट्टियां जो है ना वो जेल में गुजारेगा। इत्थे रख मलंगी, लोग कहने लगे कि ला भी हम तो इंसाफ हो ही होए। हाँ जी, तमाम जजेस, 7 जजेस बैठ गए हैं, अब नहीं छोड़ने लगे। और ये कहते साथ ही उसने जो अगली समात है वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। कर लो क्यों ना पांडा, ये है इंसाफ, अपनी की हुई बात से ही मुकर गया वो। पहले इनको छुट्टियां जेल में गुजरवानी थी, हाँ अब बेड़ा गया। लेकिन खैर एनीवे, इस सारी समात के दौरान कुछ अफराद हैं, कुछ नाम हैं जो कि पकौड़े लग गए, गर्मा गर्म पकौड़े लग गए हैं। उनमें सबसे पहला नाम जिसको नोटिस सर्व किया गया है 3 लोगों को, कि उन वो बड़ा पेश होते हैं ना जी प्रोपोगंडा करने में, हुकूमती चांटे चेले जो हैं। सबसे बड़ा नाम गलीजा चुम्मी, हाँ गलीजा चुम्मी जो है वो जो चुम्मियाँ देती फिरती है, कभी इसको दे, कभी उसको दे, कभी उन्हें भी दे, कभी मम्मी भी दे, हाँ वो ख़ास उन्होंने रखी हुई है। हाँ, उसको नोटिस जारी हो गया कि भाई वो सबसे पेश थी कि जी जाली डिग्री और ये वो जजों की जितनी भी, ख़ास तौर पर जस्टिस बाबर सितार के खिलाफ जो पेश थे। और ये ऐसे घटिया लोग हैं, यकीन करें कि जो भी जज हक सच के साथ खड़ा, इंसाफ करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ ये जो है ना आके ये प्रोपोगंडा करना शुरू कर देते हैं। और जो काजी जैसा इतना भयानक किरदार बैठा हुआ है, मेरे अदालत में सबको नज़र आ रहा कि टाउट, आज वो कह रहा था कि यार ये फार्म 47 क्या होता है, हाँ इतना ये रोटी को चोची कहता है, पागल समझा भाई यार, ये दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इसका इलाज करवाओ, इसको घर भेजो, हाँ भेजना तो वैसे जेल चाहिए जो इसके काले करतूत है जो इसने किया। लेकिन खैर ये जो आमिर फरूक है इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो चीफ है, हाँ ये कौन सा बड़ा जो है ना पवित्र है, जैसे मैंने बताया वो समाज मिलती करके निकले। खैर अली वे, बाकी जज बैठे हैं, उनका प्रेशर है, उन्होंने नोटिस दिया कि ये जो गरीदा चुम्मी है, हाँ इसको जो है ना नेम छोड़ने वाला है, इसको छोड़ेंगे नहीं, हाँ क्योंकि इसने गंद फैलाया सारा। गरीदा चुम्मी बेचारी, उसका कोई कसूर नहीं है, हाँ उसको उसके हैंडलर ने रखा ही इसी काम के लिए हुआ, हाँ कुछ और भी काम है, हाँ वो मैं बता नहीं सकता।
वो दूसरे काम भी करती है। पता नहीं बाबा जी समझते हैं बहुत गंदे काम है वो। मैं बाबा जी इससे ज़्यादा गंदा काम क्या हो सकता है कि झूठ फैलाना जजों के खिलाफ जो हक सच पे खड़े हैं, फैसला आइन कानून के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ जो है ये आके हर्जा सराई करती है और झूठ फैलाती है। झूठ बस पकड़ी गई ना, नोटिस हो गया अब। हाँ लेकिन अभी उसको ठंड है। हाँ उसने साथ ही अपने हैंडलर्स को कहा कि ये देखे नोटिस आ गया, तो हैंडलर ने कहा कि नोटिस मिलिया कख ना लिया। हाँ उन्होंने कहा वाडा को भी तो मिला था ना नोटिस। हाँ देखो फिर हमने काजी के सामने लगवा के वाडा बचा लिया और वाडा सजदे करता फिर रहा था काजी की दालत के बाद। ऐसी अभी कुछ दिनों में अब ये गरीदा चुम्मी भी नजर आएगी, चुम्मियाँ लेती हुई अदालत की। साईं सरकार मुझे माफ कर दो, गलती होगी। हाँ उसके बाद दूसरा नोटिस जो है वो उन्होंने दिया जनाब उसको रावी को, वो है नाम का रावी है वो गंदा नाला, उसमें जो मुगलजात और गंद बहता है, हाँ उसकी जो स्मेल है वो दूर दूर तक फैल जाती, दूर से पता लगता कि रावी आ रहा है। हाँ और रावी भी बढ़ गया। हाँ रावी भी हाँ ढोलकी बज गई वहाँ पर, नोटिस एक जारी हुआ उसको भी, उसको कहा कि आओ बताओ आके जो तुम ये झूठ बोल रहे हो जजों के खिलाफ, ये कहाँ से प्रोपोगंडा जो तुमने लिया, किसने तुम्हें कहा, क्या हुआ साहब। तो नोटिस खैर उसको दे दिया, वो जाएगा रावी अदालत में। हाँ रावी गंदा नाला कह रहे हैं आप, गंदा नाला जाएगा अदालत में, वो भी माथा टेक देगा। हाँ क्योंकि इनको पता है, वो अभी भी कह रहा है कि रावी चैन ही चैन। हाँ ढोलकी उसकी फटी पड़ी है, बज्जी पड़ी है उसकी। हाँ देने में तारे उसको नजर आ रहे हैं, जज ने नोटिस किया ना और कहा कि जेल भेजेंगे अब इनको नहीं छोड़ना। हाँ उसकी फटी पड़ी है लेकिन अभी भी कह रहा है कि भाई रावी अभी तक चैन ही चैन लिख रहा है। इसका रावी जो है ना वो ढूंढो, वो कौन सा रावी है। हाँ रावी कहीं बैठा हुआ पता नहीं पिंडी के आसपास, हाँ उधर ही कहीं बैठा होगा। हाँ तो ये जो है ना उसको हो गया। एक और है वो पता नहीं क्या नाम है उसका, अमार सुलंगी, अब ये मुझे नहीं पता कौन है अमार। एक तो मुर्तजा सुलंगी उसका तो मुझे पता है, वो तो मलंगी का बहनोई है। हाँ पता नहीं मलंगी उसका बहनोई है, वो मलंगी का साला, ऐसा कुछ है इनके, मलंगी और सुलंगी की आपस में रिश्तेदारी है। हाँ कौन सी रिश्तेदारी है उसका भी नोटिस। तो जितने भी जिन्होंने प्रोपोगंडा किया जजों के खिलाफ उनके खिलाफ जो है ना वो नोटिस जारी हो गए। हाँ और इसके बाद बाबा जी को सबसे ज़्यादा फिक्र जो है वो उसका गलीजा चुम्मी का है। हाँ बाबा जी कहते हैं कि यार ये चुम्मी को क्यों हो गया। देखो बाबा जी आपको क्या लगे चुम्मी से, हाँ आप गड्डू के साथ रहें जो साथ का है आपका। हाँ वहाँ पर भी एक मसला बना हुआ, वो फिर मैं आपको बताऊँगा क्या मसला है कि गड्डू खा गया, गड्डू ने हर चीज़ कंट्रोल कर ली वहाँ पर। हाँ जी और वहाँ पर जो है पता नहीं कितने अरब का वो रखा गया है फंड मीडिया तशहीर तशहर के लिए, और उसमें से भी कोई इनकी गड़बड़ कुछ सिस्टम को समझ आ रहा है कि क्या हो रहा क्या नहीं आ रहा, लेकिन कंट्रोल सारा डड्डू का, वो उस पर बात करेंगे। लेकिन खैर मैंने कहा बाबा जी आपको क्या लेना देना चुम्मी से, बाबा जी कहते हैं मेरा तो लेना देना है चुम्मी से। बाबा जी इस उम्र में कोई थोड़ी ख्याल करें यार। हाँ उसको आगे नोटिस हो गया, बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं नोटिस उसका हटवा देंगे। मैं कहा बाबा जी आप कैसे हटवा देंगे, बाबा जी कहते मेरी बड़ी वाकफियत है। हाँ बाबा कहते मैं डिप्टी को जानता हूँ। देखा बाबा जी डिप्टी कौन, बाबा जी कहते वही स्टॉक मार्केट कुत्ते तेरे रुपया मुस्तहकम करने वाला डिप्टी, हाँ उसको मैं जानता हूँ। और बाबा जी फरमाया कि इसको गलीजा अपना जो भी है चुम्मी चुम्मी को भेजो मेरे पास। हाँ इसको को जाके बाबा जी करो खिदमत, हाँ और ये आपका नोटिस वापस हो जाएगा। मैं कहा बाबा जी खिदमत क्या करनी पड़ेगी उसे, बाबा जी कहते वो तो मैं उसी को बताऊँगा। मैं कहा बाबा जी फर्ज कर ले अगर गलीजा आ गई आपके पास हाँ खिदमत करने के लिए तो फिर नोटिस आप करवा देंगे वापस, बाबा फरमाते हाँ 3 दिन बाद नोटिस वापस हो जाएगा। मैं कहा बाबा जी 3 दिन कहाँ, बाबा फरमाते 3 दिन का एक चिल्ला है मैंने चुम्मी को साथ बिठा के करना है, उसके बाद जो है ना नोटिस वापस नोटिस मिल गया कख नहीं लिया। हाँ लेकिन